हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। मैं अश्विन पार्थ आज लेकर आया हूँ ऑब्जेक्टिव सवाल को कैसे तोड़ेंगे। चलिए मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस थ्री इजकल टू जीरो के मूलों का योग का मान होगा, के मूलों का योग का मान होगा, यानी इसमें पूछ रहा है मूलों का योगफल क्या होगा। चलिए इसको हम बनाते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम समीकरण को लिख लेते हैं। क्या है समीकरण मेरा, फर्स्ट सवाल है समीकरण मेरा एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस थ्री इजकल टू जीरो, ए बराबर वन, बी यहाँ कुछ नहीं है, ए बराबर वन हम लिखेंगे और बी बराबर टू, सी बराबर माइनस थ्री। तो पूछा है क्या मूलों का योगफल, तो हम लिखते हैं इसीलिए मूलों का योगफल बराबर मूलों का योगफल होता है माइनस बी बाय ए, माइनस बी बाय ए। तो माइनस बी कितना है, बी टू, माइनस टू बाय वन, ए वन इसका हो जाएगा माइनस टू। क्या हो जाएगा इसका आंसर, माइनस टू, कहीं दिया हुआ ऑप्शन में माइनस टू, ए नंबर में दिया, ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अब हम चलते हैं दूसरा नंबर सवाल पे। दूसरा नंबर मेरा सवाल है द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0 का विभेदक होगा। ऑप्शन ए माइनस 4, ऑप्शन बी 0, ऑप्शन सी माइनस 8, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस, यानी इनमें से कोई नहीं। तो चलिए दूसरा नंबर पे सवाल पे हम चलते हैं। सबसे पहले हम इसको समीकरण लिख लेते हैं। दूसरा नंबर मेरा सवाल है 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0, यहाँ a बराबर 2, b बराबर माइनस 4 और c बराबर 3। पूछा है क्या विवेचक, d बराबर यानी विवेचक, d बराबर फॉर्मूला है मेरा b स्क्वायर माइनस 4a सी, बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी, बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए 2 इंटू सी, सी 3, बी कितने है माइनस में 4 का होल स्क्वायर, 4 चौक 16 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, 4 दुना 8 त्रिक 24, 16 में से 24 गया तो माइनस 8, माइनस 8 कह दिया हुआ है सी, इसका आंसर हो जाएगा सी माइनस 8। अगला नंबर सवाल पे हम चलते हैं। तीसरा नंबर मेरा सवाल है यदि किसी द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0 के मूल अल्फा कॉमा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। फर्स्ट सवाल जैसे है, चलिए इसका ऑप्शन ए में माइनस टू, ऑप्शन बी टू, ऑप्शन सी फाइव, ऑप्शन डी माइनस फाइव। तो चलते हैं हम यहाँ पे तीसरा सवाल मेरा, ए बराबर समीकरण लिखते हैं पहले एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस फाइव इजकल टू जीरो, ए बराबर यहाँ कुछ नहीं तो वन, बी बराबर माइनस टू, सी बराबर फाइव। तो पूछा है क्या अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र होता है मेरा माइनस बी बाय ए, तो माइनस सूत्र में है माइनस बी कितना है माइनस टू बाय ए वन, तो इसका आंसर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस टू बाय वन, तो इसका आंसर हो जाएगा टू। कितना विद्यार्थी करता है यहाँ पे माइनस, यहाँ पे नहीं देखता है माइनस टू बाय ए वन, इसका आंसर माइनस टू, यहाँ माइनस टू भी हम दिए हैं और प्लस टू भी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा प्लस में टू। कितना विद्यार्थी ये मारेगा, तो आप लोग ये नहीं मारिएगा, ये मेरा गलती है, सूत्र सही है, इसका आंसर हो जाएगा प्लस में टू, बी आंसर।
चलिए अगला सवाल पे हम चलते हैं, चौथा नंबर पे। चौथा नंबर मेरा सवाल है, बिंदु -3.1 एंड -5.7 के बीच की दूरी होगी। ऑप्शन ए 4√2, ऑप्शन बी 3√2, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 3। तो चलिए हम चलते हैं चौथा नंबर सवाल पे, लिख लेते हैं पहले x1 = -1, x2 = -5, y1 = 3, y2 = 7। तो दूरी सूत्र बोल रहा है, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला? दूरी सूत्र, दूरी सूत्र क्या होता है? रूट अंडर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 कितना है? -5 माइनस x1 -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 7 माइनस y3 7 -3 का होल स्क्वायर। यहाँ पे -5 प्लस माइनस प्लस प्लस 1 का होल स्क्वायर, 7 में से 3 है 4 का होल स्क्वायर, 5 में से गया -4 का होल स्क्वायर, प्लस में 4 का होल स्क्वायर, 4 चौक 16 माइनस प्लस 16 प्लस 4 चौक 16, रूट में कितना आ गया 32, रूट में कितना आ गया 32। इसको हम यहाँ पे बनाते हैं रूट में 32 को हम गुणनखंड कर देंगे 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2, दुना 4 दुना 8 दुना 16 दुना 32, इसमें मिला ये कौन कौन मिलता है, ये मिला, तो ये दोनों को हम बाहर लेते हैं 2 × 2 रूट, रूट में कितना बचा 8, तो दुना 4 रूट 2, इसका आंसर हो जाएगा 4√2। ए आंसर 4√2। आइए अगला नंबर सवाल पे, पांचवा मेरा सवाल, cos 90 डिग्री माइनस थीटा का मान होगा। ऑप्शन ए cos थीटा, ऑप्शन बी sin, ऑप्शन सी sin थीटा, ऑप्शन डी cos थीटा। तो cos का क्या हो गया? sin थीटा, तो sin यहां पे sin है, थीटा नहीं है, sin थीटा। इसका आंसर हो जाएगा सी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करें। अगले वीडियो में बात करेंगे, धन्यवाद।